सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूं एनुअल रिटर्न जीएसटी एंड 9 में जॉब वर्क की कौन सी डिटेल देनी है। हाँ जी दोस्तों, आज मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे एनुअल रिटर्न के अंदर हम जॉब वर्क की कौन सी डिटेल दें। हाँ जी दोस्तों, बने रहे मेरे साथ इसको समझने के लिए वीडियो के एंड तक। एज लॉट टू डू, एज लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगन वी स्टार्ट पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव कोर्स। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही। तो इस नंबर पे फोन कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, जो भाई बंधु मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके पास जीएसटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में और लोगों को भी जोड़िए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात करूं बेसिकली टेबल नंबर 16 के बारे में, जिसके अंदर आपको डिटेल देनी होती है सप्लाई रिसीव फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सो सिंपल सा है, अगर आप सप्लाई रिसीव कर रहे हैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से, तब तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। बात आती है जॉब वर्क के अंदर, ये वाला तो समझ गए दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों टेबल के अंदर 16 का बी और 16 का सी, जो बोलता है डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 143 और सी बोलता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न। ठीक है, तो इन दोनों टेबल के बारे में समझ लेते हैं क्या कहता है। तो दोस्तों, मेरे पास बता देता हूँ मैं आपको। देखो, 16 के अंदर आपको कौन कौन सी डिटेल लिखनी होती है, ए वाला तो सब समझ गए। ए वाले में सीधे सीधे बोल रहा है कि एग्रीगेट वैल्यू रिसीव फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर शैल बी डिक्लेयर्ड हियर, जो आपने जीएसटी और 3B के अंदर टेबल 5 में लिखा है, ठीक, फाइलिंग करते वक्त वो वाली डिटेल आप यहाँ पे लिख लेंगे 16A में। ठीक, अब हम बात करें 16B की, तो 16B क्या बोलता है कि डीम्ड सप्लाई है अंडर सेक्शन 143, इट मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल डीम्ड सप्लाई फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ सीजीएसटी एक्ट शैल बी डिक्लेयर हियर। तो दोस्तों, यहाँ पे इसने बोल दिया 16B के अंदर डीम्ड सप्लाई लिखनी है जो अंडर सेक्शन 143 के अंदर है। अब इसके अंदर दो सेक्शन हो गए, सेक्शन सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 हो गया सेक्शन 143 का। अब देखो, दोनों अलग अलग सेक्शन है। पहले हम 3 की बात करते हैं। 3 क्या बोलता है, 3 ये बोलता है कि आपने जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजा, लेकिन अगर वो गुड्स 1 ईयर के अंदर जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीटेशन ऑफ जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद अगर 1 ईयर के अंदर रिसीव नहीं होता है आपको, इस तरह की जितने भी इनपुट्स है, ये मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड सप्लाई है। कौन सी डेट से, जिस दिन आपने उसको जॉब वर्क के लिए भेजा है उस दिन से। 3 बोलता है इनपुट्स के बारे में, 4 बोलता है कैपिटल गुड्स के बारे में। अगर कैपिटल गुड्स है आपका और वो आपका रिटर्न नहीं हुआ विद इन 3 ईयर्स के अंदर, ये 1 ईयर हो जाता है इनपुट्स में और कैपिटल गुड्स में हो जाता है विद इन 3 ईयर्स के अंदर। तो विद इन 3 ईयर्स के अंदर जॉब वर्क होने के बाद आपके पास रिसीव नहीं होता तो वो डीम्ड सप्लाई मान ली जाती है। वो सप्लाई तभी से मान ली जाएगी जिस दिन आपने जॉब वर्क के लिए गुड्स को भेजा है। ठीक है, तो लगभग आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा 16B के बारे में। अब हम बात करें 16C के बारे में, होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न। अगर आपने यहाँ पे गुड्स भेज दिए अप्रूवल बेसिस पे लेकिन प्रिंसिपल के पास रिसीव नहीं हुआ विद इन 180 डेज के अंदर, ठीक, 180 डेज के अंदर, तो इस तरह की सप्लाई जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करनी होगी आपको। इस तरह की सप्लाई जो है वो सप्लाई मान ली जाती है और यहाँ पे इस तरह की सप्लाई आपको डिक्लेयर करनी होगी। तो इस तरह की सप्लाई आप यहाँ पे करेंगे। तो समझ गए दोस्तों क्या कहना चाहता है। ए बोलता है कॉम्पोजिशन सप्लाई जितनी भी आपकी वो डिक्लेयर करेंगे, और बी बोलता है यहाँ पे 16 का बी डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143, और सी बोलता है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न। ठीक है, तो ये था कंक्लूजन जॉब वर्क वाली डिटेल्स का जो आपको भरना था टेबल 16 के अंदर। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।